उत्तर प्रदेश में चल रही चुनावी सरगर्मियों के बीच गुरुवार की शाम उस वक्त सनसनी फैल गई जब एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर 3 से 4 राउंड फायरिंग की खबर सामने आई। यह हमला तब हुआ जब ओवैसी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करके दिल्ली वापस आ रहे थे। फिलहाल खबर यह है कि पुलिस ने ओवैसी के काफिले पर फायरिंग करने वाले दोनों व्यक्तियों सचिन और शुभम को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हमले में इस्तेमाल हथियार भी बरामद हो चुके हैं। पिछले कुछ महीनों में ये ओवैसी पर दूसरा हमला है। पिछले साल सितंबर महीने में अगर आपको याद हो तो दिल्ली में ओवैसी के घर पर हमला हुआ था, तब भी ओवैसी ने सवाल उठाए थे। ओवैसी पर हमला गुरुवार को तब हुआ जब उनकी गाड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के हापुड़ गाजियाबाद खंड पर छिजारसी टोल प्लाजा क्रॉस करने के लिए खड़ी हुई। हमलावरों ने 3 से 4 राउंड फायरिंग की। फायरिंग पर पुलिस ने आरोपियों से बातचीत की तो उन्होंने खुलासा किया कि आखिर उन्होंने एआईएमआईएम चीफ की गाड़ी पर हमला क्यों किया, गोली क्यों चलाई। हापुड़ के एसपी दीपक भूक ने बताया कि दरअसल आरोपी एआईएमआईएम ओवैसी की बयानबाजी से गुस्से में थे, जिसके बाद उन्होंने उनकी कार पर गोली चलाने का कदम उठाया। हमले की थोड़ी देर बाद ओवैसी ने ट्वीट में लिखा, कुछ देर पहले छिजारसी टोल गेट पर मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गईं, 4 राउंड फायर हुए, 3 से 4 लोग थे, सबके सब भाग गए और हथियार वहीं छोड़ गए। मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई लेकिन मैं दूसरी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया, हम सब महफूज हैं। ओवैसी की ओर से ट्वीट किए गए विजुअल्स में उनकी सफेद रंग की एसयूवी पर गोली की 2 छेद नजर आ रहे हैं। कथित तौर पर तीसरी गोली वाहन के टायर पर लगी। यूपी में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 10 फरवरी को वोट डाले जाने हैं और उससे पहले ओवैसी पर एक हमला। ओवैसी ने ट्वीट के जरिए अपने विरोधियों को ये संदेश देने की कोशिश की। एक ट्वीट में ओवैसी ने लिखा, न डरने वाला हूँ न सिक्योरिटी लेने वाला हूँ, मैं अपना चुनाव प्रचार जारी रखूंगा, अगर किसी माई के लाल में दम है तो मार के दिखाए मुझे। ओवैसी ने बताया कि उनके साथ ये सब कुछ एक साजिश के तहत किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने इस मामले की स्वतंत्र जांच के लिए चुनाव आयोग से भी मांग की है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के सांसद ने भी अपने अध्यक्ष पर हुए इस हमले की घटना को गंभीर बताया और इसे गुरुवार को लोकसभा में उठाया। औरंगाबाद से सांसद सैयद इम्तियाज जलील ने कहा, ओवैसी साहब की कार पर गोलीबारी की गई, इससे पहले उनके आवास पर हमला किया गया था, वह सुरक्षित है। हमारे राजनीतिक और वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन इस तरह की हरकत ठीक नहीं है, जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल खबर।